एक बार की बात है, किसी गांव में भोला नाम का एक गरीब आदमी रहता था। भोला फल बेचने का काम करता था। इसी तरह एक दिन भोला फल की टोकरी लेकर बाजार की ओर जा रहा था, लेकिन तभी अचानक रास्ते में उसे एक खूबसूरत लड़की मिलती है। वह लड़की भोला से सारे फल खरीद कर जंगल में चली जाती है। इस बात से भोला बहुत खुश होता है। अरे वाह, मुझे बाजार तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। उसके बाद भोला अपने घर लौट जाता है। फिर अगले दिन भोला ढेर सारे फल लेकर बाजार की ओर जाने लगता है, लेकिन इस बार भी वह लड़की उसका रास्ता रोककर उससे सारे फल खरीदकर जंगल में चली जाती है। उस दिन के बाद से यह रोज का सिलसिला हो जाता है। लड़की भोला से फल खरीदकर जंगल में चली जाती थी। इस बात से भोला बहुत खुश था कि बिना मेहनत किए उसके सारे फल बिक जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भोला के मन में यह जिज्ञासा थी कि आखिर वह लड़की कौन है जो उससे रोज फल खरीद कर जंगल में चली जाती है। वह जंगल बहुत ही खतरनाक और डरावना था। वहां इंसान जाने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन फिर आखिरकार लड़की का रहस्य जानने के लिए भोला जंगल में जाने का फैसला करता है। अगले दिन जब लड़की भोला से फल खरीद कर जंगल में जाने लगती है, तो भोला उस लड़की का पीछा करते हुए जंगल में चला जाता है। थोड़ी देर के बाद लड़की एक बड़े पेड़ के पास पहुंचती है। उस पेड़ के सामने दो बड़े कुएं बने हुए थे। लड़की तीन बार ताली बजाती है और अगले ही पल दोनों कुएं के अंदर से दो बड़े सांप बाहर निकल आते हैं। फिर वह लड़की उन दोनों के सामने फल की टोकरी रख देती है। दोनों सांप बाहर निकलकर फल खाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में वह दोनों सारे फल खा जाते हैं। उसके बाद वह दोनों सांप दो बड़े सांप घर के रूप में बदल जाते हैं। फिर वह लड़की दोनों घरों से ढेर सारे सोने के सिक्के लेकर वहां से चली जाती है। लड़की के जाने के बाद दोनों सांप वापस कुएं के अंदर चले जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही विचित्र घटना है। इस कुएं के अंदर दो बड़े सांप रहते हैं जो फल खाने के बाद घर के रूप में बदल जाते हैं, इसलिए यह लड़की मुझसे रोज फल खरीद कर ले जाती है। उसके बाद भोला उस लड़की का पीछा करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वह लड़की एक पेड़ के पास पहुंचती है। उस पेड़ पर बड़ा दरवाजा बना हुआ था। लड़की दरवाजे पर लगा बटन दबा देती है और दरवाजा खुल जाता है। फिर वह लड़की दरवाजे के अंदर चली जाती है। जरूर इस दरवाजे के पीछे कोई रहस्य है, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। उसके बाद भोला भी दरवाजे पर लगा बटन दबा देता है और दरवाजा खुल जाता है। फिर भोला दरवाजे के उस पार चला जाता है। भोला को अपने सामने एक सीढ़ी दिखाई देती है। भोला सीढ़ी से नीचे उतरना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद भोला को अपने सामने एक बहुत ही सुंदर नगर दिखाई देता है। उस नगर के सुंदरता देख भोला की आंखें फटी की फटी रह जाती है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? यहाँ तो बहुत ही सुंदर नगर बना है और यहाँ के घर बहुत ही खूबसूरत है। तभी वह लड़की भोला के पास आ जाती है। अच्छा, तो तू मेरा पीछा करते हुए मेरे नगर तक आ गया। तुम मुझसे रोज फल खरीद कर जंगल में चली जाती थी, इसीलिए मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ आ गया। देखो, तुम मेरा ये राज जान चुके हो, इसलिए हमारे जादुई नगर के बारे में किसी को कुछ मत बताना। बदले में मैं तुम्हें ढेर सारे सोने के सिक्के दूंगी। हाँ हाँ, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। तभी वहाँ लड़की का भाई आ जाता है। सुनो नौजवान, मेरी बहन तुम्हें रोज 100 सोने के सिक्के देंगी, लेकिन भूल कर भी तुम हमारा राज किसी को मत बताना, और साथ ही कुएं के अंदर रहने वाले उन दोनों जादुई सांपों के बारे में भी किसी से कुछ मत कहना। ठीक है, मैं उन दोनों जादुई सांपों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। फिर वह लड़की भोला को 100 सोने के सिक्के दे देती है। सोने के सिक्के पाकर भोला बहुत खुश होता है और नाचते गाते अपने गांव लौट जाता है। अगले दिन से भोला लड़की को फल बेचकर उससे रोज 100 सोने के सिक्के लेने लगता है। दूसरी तरफ सोने के सिक्के मिलने से भोला बहुत अमीर बन जाता है और वह एक बड़ा घर खरीद लेता है। साथ ही साथ वह बढ़िया कार में भी घूमने लगता है। दूसरी तरफ वह रोज महंगे कपड़े पहनता था। भोला की अमीरी देख
सभी गांव वालों को बड़ा ताज्जुब होता है। अरे अचानक ये भोला इतना अमीर कैसे बन गया? इसने बहुत सुंदर घर खरीद लिया है, साथ ही बड़ी कार में घूमता है। हाँ, ये अमीरों की तरह महंगे कपड़े पहनता है। मैंने सुना है ये एक कपड़ा सिर्फ एक ही बार पहनता है, उसके बाद उसे भिखारियों में दान कर देता है। दूसरी तरफ पैसा आने के बाद भोला के अंदर घमंड भी आ जाता है और वह लोगों से बदतमीजी से बात करना शुरू कर देता है। फिर एक दिन भोला का नौकर उसके लिए चाय लेकर आता है, तभी अचानक उसका पैर फिसल कर वह नीचे गिर जाता है। इस बात से भोला को बहुत गुस्सा आता है और वह डंडे से अपने नौकर की खूब पिटाई करता है। तेरे जैसा बेकार नौकर मुझे नहीं चाहिए, चल जा यहाँ से। उसके बाद भोला अपने नौकर को वहाँ से भगा देता है। इस तरह भोला बहुत घमंडी और बेरहम बन गया था। साथ ही भोला के मन में ज्यादा से ज्यादा दौलत पाने का लालच भी बढ़ गया था। वह लड़की मुझे रोज सिर्फ 100 सोने के सिक्के देती है, मुझे रोज 1000 सोने के सिक्के चाहिए, तभी मैं इस गांव के आसपास की सारी जमीन खरीदकर यहां का सबसे धनवान आदमी बन पाऊंगा। अब उस लड़की के पास जाने की बजाय मैं कुएं में रहने वाले दोनों जादुई सांप घर से ढेर सारे सोने के सिक्के निकाल लूंगा। फिर अगले दिन भोला ढेर सारे फल अपनी कार में भर देता है और कार लेकर दोनों कुएं के पास पहुंच जाता है। फिर भोला कार से नीचे उतरकर 3 बार ताली बजाता है और अगले ही पल दोनों कुएं के अंदर मौजूद जादुई सांप बाहर निकल आते हैं। भोला जमीन पर ढेर सारे फल रख देता है, फिर दोनों जादुई सांप फल खाना शुरू कर देते हैं। फल खाने के बाद वह दोनों सांप घर के रूप में बदल जाते हैं। यह देख भोला बहुत खुश होता है। अरे वाह, ये दोनों सांप घर के रूप में बदल गए, अब मैं इन दोनों घरों में मौजूद सारी दौलत ले सकता हूँ। उसके बाद भोला एक एक कर दोनों घरों के अंदर से ढेर सारे सोने के सिक्के निकाल लेता है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, एक ही बार में मुझे हजारों सोने के सिक्के मिल गए। लेकिन तभी अचानक वह लड़की अपने भाई के साथ वहाँ आ जाती है। अच्छा, तो अब तुम्हारे मन में लालच आ गया, लेकिन तुमने इन दोनों घरों से सोने के सिक्के निकाल कर बहुत बड़ी भूल कर दी, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ दोनों जादुई सांप घर के ऊपर आग जलने लगती है और देखते ही देखते उन दोनों घरों के अंदर से ढेर सारे बड़े बड़े सांप बाहर निकल कर भोला को काटना शुरू कर देते हैं। अरे मर गया रे, अरे कोई बचाओ मुझे, कोई मेरी मदद करो। लालची और धोखेबाज लोगों का यही अंजाम होता है, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। देखते ही देखते वह सारे सांप भोला को मार कर खा जाते हैं। इस तरह लालच में आकर भोला अपनी जान गंवा बैठता है।